गोविंद भाई, बालकृष्ण यहाँ पर आया था क्या? नहीं, वो नितान को ढूंढने ऑफिस गया है। बालकृष्ण, तुम तो मेरा काम जानते ही हो। मेला कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। तुम्हारी तरह फर्स्ट क्लास एमएससी से पास हुए और दो एप्लीकेंट्स भी हैं। इस जमाने में कॉलेज लेक्चरर की तनख्वाह तुम तो जानते ही हो। फिर भी बालकृष्ण, इस बात को समझो, तुम्हारे सामूहिक लोग गांव वाले और तांबी सार के बेटे और इसके अलावा इस कॉलेज का निर्माण कार्य, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने फैसला लिया है कि 50,000 रुपए दोगे तो काम मिल जाएगा। अब सोच लो। इतनी बड़ी रकम? देखो भाई, ये फैसला तो तुम्हें ही करना है कि क्या करना है क्या नहीं। सुनिए, बालकृष्ण का हाथी पागल हो गया है। क्या? हाँ। हाथी, बैठ इधर, चल। अरे हाथी पागल हो गया, भागो, अपनी जान बचाओ। भागो, भागो, अरे हाथी पागल हो गया है, जान बचाओ। क्या होगा? निकलो यहाँ से। भाई, किसी को बैठ जा, इधर बैठ जा। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? शर्म नहीं आती इस तरह डंडा उठाकर घूम रहे हो? डंडा लाओ, इधर बैठ जाओ। विनया, मेरी बात नहीं मानोगे, मार खाओगे। विनया, मेरी बात सुनो, बैठो इधर, सीधी तरह से बैठ जाओ, बैठो। अब शांति से बैठे रहो, इधर आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ था? मेले के लिए गया था ना, उन्नीतान के हाथी को मैं अपने मेले के लिए तैयार कर रहा था। ऐसा तो मैंने इसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, समझ नहीं आ रहा। पंडित जी कहाँ हैं? वो पंडित जी, तुम यहीं रुको। हाँ, मैं रखूं। क्या है पंडित जी, 5-6 सालों से मेरे हाथों को बीच में जगह मिलती थी, फिर आज क्यों हटा दिया? कमेटी अध्यक्ष अनिता ने बोला है। पंडित जी, एक बात समझ लीजिए, आदमी से ज्यादा बुद्धिमान हाथी कोई बातें सहन नहीं करेगा। हाँ, मुझे भी लगा, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम्हारे हाथी को बीच में रुकाना है, लेकर आओ विनायक को। विनय को वहां बांध दो। हाँ, मैं अभी आता हूं। हाँ ठीक है, चल रहे आती। सुन, मेला पिछले साल जैसा बिल्कुल नहीं है, इस बार बहुत शानदार होगा। हाँ, मां, मां, तुम मुनीतान से मिलो। हाँ, बोला 50,000 दूंगा तो काम देंगे। नहीं चलेगा माँ, ऐसे कैसे चल सकता है? मैंने उससे बात की थी, बोला नहीं। पैसों के मामले में तुम लोगों ने फैसला किया था, कहाँ से निकाल कर देंगे ये पैसा? माँ, भगवान सबका रास्ता दिखाएंगे। मैंने वेला भाई को यहाँ बुलाया है। क्यों,
फिर से उधार लेने के लिए, बेइज्जत होने के लिए मैं नहाने जा रहा हूं। वेल्ला भाई, अभी अभी आपको ही याद कर रहे थे, कल भी आपके बारे में बोला था, बात क्या है पता है ना? क्यों? अरे ऐसी बात नहीं है, भार्गवी बहन, विशाखा बहन और आप सब एक जैसे ही हैं। यहाँ पर सब लोग साथ में रहते थे, तब भी मैं आता था ना, अब क्या है उनको मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं उनके साथ रहता हूँ। आपने बुलाया तो आपके पास आ गया। बैठिए। देवसम बोर्ड के कॉलेज में बालकृष्ण को काम देंगे बोला था। भगवान अच्छा ही करेगा, लेकिन डोनेशन के तौर पर बड़ी रकम मांग रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओणी तान से मिलो, हाथी का दाम पक्का करने के लिए उनसे लड़ना झगड़ना मुझसे नहीं होगा। वेला भाई, आप मेरे साथ चलना, ठीक है? ओ। देखो अभी हम दाम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मैं नहीं ले रहा हूँ, देवसम ले रहा है। दाम कम हुआ तो भी चिंता न करे, समझिए कि भगवान को चढ़ा दिया। अगर आपको मंजूर है तो बेटे के बारे में आज ही प्रिंसिपल से मिलकर मैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले लूंगा, ठीक है? तो बाकी के पैसे? देखो आज तो बैंक बंद हो गया, कल परसों की छुट्टी है, सोमवार को सवेरे पैसे घर पहुंचा दूंगा, चलेगा? ठीक है। बालकृष्ण आ रहा है। तुम खाना लगा लो। ठीक है। अभी तक कहाँ थे तुम? लाइब्रेरी में। लो अभी तो ये घूमना फिरना बंद करो। क्या ये? मेरी प्रार्थना सफल हो गई, सोमवार से तुम कॉलेज में काम के लिए जा सकते हो, अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। ये कैसे मिला? उन्हें तो डोनेशन चाहिए था ना? मैं सब बताती हूँ, तुम पहले खाना खा लो। अरे सुन, थोड़ी दाल ले आ। बेटा वो खाना मत ले जाओ, विनिया वहां नहीं है, तुम्हारी नौकरी की डोनेशन देने के लिए मैंने उसे बेच दिया, वो लोग उसे ले गए हैं, मैं लाचार थी बेटा। माँ, तुम यहाँ पर आके बैठे हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, मालूम है? कल रात को घर से निकले थे ना, माँ वहाँ पर चिंता कर रही है, उठो चलो। जाइए वेला भाई, मुझसे बात मत करिए। ऐसी बचपना क्यों कर रहे हो तुम? हाथी के बारे में सोच रहे हो तो अच्छा ही हुआ, उस दिन बंटवारे के दिन ही बोला था कि हाथी की जिम्मेदारी मत लेना, बाहरी काम के लिए भी नहीं ले जाते तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, उस दिन हाथी की जगह कोई दूसरी चीज लिए होते तो अच्छा होता, आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता, हाथी लेने से क्या फायदा? अपने बकबक बंद करो, मुझे थोड़ी शांति दो। ऐसी बचपना क्यों कर रहे हो तुम? ये जिद छोड़ दो और मेरे साथ आओ। वेला भाई जाइए यहाँ से, दिमाग खराब मत करिए। मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, मैं जाता हूँ। वो तो माँ के बारे में सोचकर मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आया था, जो करना है करो। विनय बस यहाँ आओ, तुम्हारी ही तरह है ये भी, मस्ती बहुत करता है, जल्दी बाहर आते हो या कि मैं आऊं मारने के लिए तुम्हें? जाने में अगर देर हो गई तो तुम्हारी माँ मुझे सुनाएगी खाम खां।
विनय इधर आओ, इधर आओ। मैंने बुलाया तो बिल्कुल नहीं सुना, इधर आ, 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 आ। क्या हुआ विनया? प्रसाद खाओ। विनय को दो पहले। हमेशा विनया विनया करते हो, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का प्रसाद। आज विनायक का भी जन्मदिन है, उसे दो पहले। हे भगवान, तुम भी, ये लो तुम ही उसे दे दो। विनायक, हम दोनों के जन्मदिन की प्रसाद है ये, खाओ ना। बस बेटा, नहा लो फिर पढ़ लेना। बाला, विन्या को मंदिर वालों को भेज दिया ना? खा, खा इसे, खा, हे, खा, चल। ए, नहीं खा रहा है तो जबरदस्ती मत करो, भूखा रहने दो, अगर जिद पर आ गया तो खैर नहीं। तुम बीच में मत पड़ो, मैं खिलाकर ही रहूंगा उसे। ए, चल खा, खा इसे, खा, खा हाथी के बच्चे, खा, चल, चल, वरना मार खाएगा, चल, खा इसे, खा, खा इसे, चल, चल, ले, पता कि नहीं, ले, ले, हट, हट, खा इसे, खा, भाई, खा, खोल खोल उसे। हे भगवान, ये लड़का क्या करेगा नहीं मालूम। पता भी है आपके बेटे ने क्या किया है? कहाँ है वो? देवसम बोर्ड से हाथी को निकाल कर ले आओगे तो कोई पूछेगा नहीं क्या? देवसम से मैं कोई चीज नहीं लाया हूँ, विनया मेरा हाथी है। अपनी माँ से पूछो इसका मालिक कौन है। सीधे सीधे हाथियों को उधर ले जाओ, नहीं तो क्या कर लोगे? बाला, तुम लोग धंधे वाले हो, कुछ भी बेचोगे। गांव वालों के पास से भीख मांग मांग कर बनाई हुई इस कॉलेज में लेक्चर पोस्ट भी बिकाऊ बनाई है तुमने, कुछ भी बेचने को शर्म नहीं आती? बालकृष्ण, सारे लोग ऐसे नहीं है, बचपन से मेरे साथ खेल कर बड़े हुए इस विनया को मैं नहीं बेचूंगा। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, देवसम के अध्यक्ष ही नहीं, ऊपर वाला आकर भी मुझे कहेगा तो भी मैं विनय को नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ यहाँ से। सरस्वती जी, आपने मेरे पांव पकड़े इसलिए मैंने इसे नौकरी दिलवाई, उसका यह नतीजा मिला। मिस्टर उन्नीदान, मैंने बहुत मेहनत से ये मास्टर की डिग्री पाई है, उस जगह पर नाई का काम सीखना ज्यादा अच्छा था। ये लो तुम्हारी नौकरी, जाओ यहाँ से। माँ, अब रोना बंद भी करो, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आवारों की तरह चले थे ना तुम, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुझे ये नहीं पसंद है तो ना सही। आप मुझे ही दोष दे रही है, मैंने तो कोशिश की थी ना। तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी अपने आप को देखो, तेरी उम्र के लड़के मेहनत करके अपना परिवार देखते हैं और तू जो सब कर रहा है वो कितना गलत है, गाँव वाले सब जान गए हैं, अब मैं कैसे उन लोगों को मुँह दिखाऊँ। माँ, हमारा ये जीना गाँव वालों के लिए है क्या? नहीं, तुझे जो करना है कर, पर एक बात याद रख, जिंदगी भर तेरी देखभाल करने के लिए मैं नहीं रहूंगी। माँ, जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। पापा, यही है वो आदमी, हाथी वाला। हाँ। देखो ये साधारण जंगल की तरह नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है उस बड़े जंगल का, न्यास ने बोला तो होगा ना। हाँ। कहीं चार दिन काम करके छोड़ तो नहीं जाओगे? नहीं। ठीक है, कल से काम पे लग जाओ। न्यास, मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम वाउचर पे साइन करवा लेना। ठीक है बाबू। अरे सुनो, तुम यहाँ
क्या हुआ, दो दिन से आप दिखे ही नहीं। सुनो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं वहां से आकर यहाँ बैठता हूँ, इसका मतलब है वो देवसम वालों ने हाथी लिया है। मुझे वहां काम भी दिया था, कुछ भी नहीं तो महीने की तनख्वाह तो मिल ही जाती थी मुझे, खाने पीने का खर्चा भी निकल जाता था मेरा। अब तो मेरे पास वो भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। मैं आपको तनख्वाह देता हूं, फिलहाल के लिए ये रख लीजिए। कल सुबह जल्दी निकलना है हमें। कहां पर? जंगल में काम के लिए। जंगल में किसी दूसरे के बगैर, हाथी के साथ मैं? हाँ वहां मैं भी रहूंगा बेटे। हाँ मैं भी आऊंगा, अब तक मैंने मेहनत नहीं की थी, अब बहुत मेहनत करके जीऊंगा। विनिया के साथ मैं भी चलूंगा। मुझे डराने धमकाने के लिए एमएलए को लेकर आए, ये नहीं चलेगा। इस जंगल की जमीन मैंने खरीदी है तो उसके झाड़ों की कटाई भी मैं ही करूंगा। लगता है तो इस तरह नहीं मानेगा। अजय तुम बैठो, मैं इनसे बात करता हूँ। इनके पिताजी राघव जी को मैं जानता हूँ, फालतू में उनके बेटे से अनबन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं, पर मेरी तकलीफ आप लोग समझिए। उस दिन नीलामी के दिन ये भी था, रकम बढ़ाकर क्यों नहीं बोला? फालतू में सरकार को पैसा देने से क्या फायदा, बाहर से ढेलबिन कर लेंगे सोचा था। नहीं नहीं, इस बार कटाई की सारी तैयारी कर चुका हूँ मैं। आपका जो भी खर्चा है मैं दूंगा, ऊपर से 5 लाख रुपए अलग दूंगा मैं। हमारा ये बिजनेस सालों से चलता आ रहा है, हम जो बोलते हैं वो करते भी हैं। जंगल के झाड़ों को देखकर ही मैंने ये ऑर्डर लिया था, अब क्या उसके बदले में मुझे पैसे भी देने होंगे? तो तुम इस तरह नहीं मानोगे? नहीं। चलिए अब बोलने का कोई फायदा नहीं यहाँ पे। कल मैं पूरी रात सोई नहीं, उसके लिए रुकी रही। हाथी को लेकर गया है और अब तक नहीं आया, उसे जाकर ढूंढिए ना। इस सब के लिए मैं आपको दोषी मानता हूँ, बहुत लाड प्यार दिया था, अब वो बच्चा नहीं रहा, हमारी बातें नहीं सुनता तो उसे छोड़ देना चाहिए। आप अब चिंता मत करना। कैसे चिंता नहीं करूं वेला भाई, उसे देखे बगैर मेरा बेटा कहाँ होगा क्या पता। सुनो बाला कृष्णा, नहीं ये जंगल के बारे में बोल रहा हूँ, कितनी घने जंगल है, कितने झाड़ है यहाँ देखो। विनया थक गया क्या? फिर थक गया क्या? कितनी नदियां पार की, अब तो बोलो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ तक पहुँच गए, अब तो क्यों छुपाते हो? बात को फैलाने में माहिर हो आप, पहले बता देता तो पूरे गांव को पता चल जाता, ये तो पक्का है, फिर मां नहीं छोड़ती। अब बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। कहाँ पर? हम लोग जा रहे हैं चंबल घाटी। चंबल घाट जा रहे? पिताजी कहाँ हैं? अंदर हैं। क्यों, काम बना क्या? सेठ जी नहीं देंगे। अब मैंने जो कहा वो हुआ ना, उस दिन अगर 5-6 लाख से ज्यादा की बोली लगाते तो कोई और आज जंगल में नहीं आता। जाने दीजिए, इतनी सारी लकड़ियां इस जंगल में नहीं है। असेंबली में जाकर बड़बड़ करने और रिश्वत लेने के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? बकबक बंद करो। सरकारी जंगलों में चुप चुप कर हम जो करते हैं वो दूसरों को भी पता चलेगा। उस मुसीबत को टालने के लिए मैंने इसको नीलामी में वहां भेजा था, और ये है कि बेवकूफ नालायक कुछ भी नहीं करके आया। वो सेठ इतना जिद्दी निकलेगा, मुझे क्या पता था? मुझे भी धमकी दे रहा था वो सेठ। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, इस जंगल का एक भी झाड़ मैं उसे काटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हवा में तीर मत छोड़ो, कुछ करके दिखाओ। अपनी यूनियन का कोई भी कर्मचारी आप उसके काम के लिए मत छोड़ना। अरे पक्का, भरोसा रखो, चलता हूँ। ये क्या नींद है चंदन, उठो जाना। देखो छोटे साहब बुला रहे, रात को शराब पीकर आके सोते हो,
गांव वाले क्या सोचेंगे? धर्मशाला है क्या ये? बोलो मैं आ रहा हूँ। चंदन चल। हाँ हाँ, ये रस्सी वहां रख दो। चल रे हाथी चल सीधा जो। इनमें से एक भी आदमी मत छोड़ना, जितनी जरूरत है उतने ले लो। ठीक है साहब। अरे भैया, हमारे हाथी के खाने का कुछ इंतजाम करो। वो सब मैं कैसे, चलो देखता हूँ। मुश्ताक, हाथी के लिए कुछ खाना मिलेगा? अरे भाई, मैं ही खुद कारीगर को ढूंढ रहा हूँ। उसके लिए मैंने सारा गांव छान मारा है। कल वो आने वाला था, वो भी नहीं आया। उसके बीच में मैं अब तुम्हारे हाथी को खाने पीने की सोचूं? पांडे आकर गया था क्या? हाँ, सुबह आया था। और रजाक? नहीं, वो नहीं है। इसमें जानने वाली क्या बात है, यहां से सीधा रास्ता है, कल ही निकलना। अरे सवेरे ही जाना, सारा काम निपटाने को पड़ा है अभी। जल्दी जाने से क्या फायदा होगा, काम तो निपटाना ही पड़ेगा ना। मच्छर हो या मक्खी, दोनों ऐसे ही सताते हैं। अरे सुनो, लोग कह रहे हैं आज इतनी ठंड नहीं है, लेकिन अगर ठंड होगी तो आप कैसे रहेंगे? ये क्या है? भिंडी की सब्जी। नहीं चाहिए। ठीक है। सुन रहे, ये मेरी जमीन है, चुपचाप भागो यहाँ से। साहब फिर हम कैसे जी? निकल यहाँ से, चल। कल शाम को यहाँ से लौटते वक्त ये झोपड़ी नहीं थी साहब, रातों रात ये बांध दिया गया है। कौन है रे इसका मालिक? ये तो राघव सेठ जी का है। उसने तो ये तेरे नाम किया होगा बेनामी काम के लिए। साहब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों रे बदमाश, अभी पिछला केस खत्म नहीं हुआ, फिर से जेल जाना है क्या? क्या इरादा है बोल? साहब इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, मैं यूं ही। तो फिर जाए यहाँ से। ये सरकारी जंगल है, जहां तक मैं जानता हूं ये जमीन किसी की नहीं है। आप लोग भी जाइए। गाड़ी निकाल जल्दी से। अरे ये लड़का तो हमारे गांव के बुद्धिराम का बेटा है ना? बुद्धिराम का नहीं, काशनाथ जी का, जय प्रकाश। अरे जो कोई भी हो, बचपन में इसने तुम्हारी माँ के हाथों के कितने निवाले खाए हैं मालूम है? बेशरम लड़का कहीं का, देखकर भी अनदेखा किया। उसकी वो शर्ट पैंट वेशभूषा देखी? बस बस बकवास मत करो, वो यहाँ का रेंज ऑफिसर है। मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, मैं क्या यहाँ का फॉरेस्ट कंजर्वेटर हूँ जो रेंजर का ट्रांसफर करा दूँ? इस तरह से मुंह लटका के खड़े रहने से अच्छा होगा कि उसे शराब दारू पिलाकर उसको अपनी तरफ खींचो। वो तो तुम अब तक कर नहीं पाए हो। कितने काम अधूरे पड़े हुए हैं, सरकार के भरोसे बैठोगे तो फैक्ट्री बंद करनी होगी। अब ये सब भी मैं ही करूं? नहीं, आपके ही रास्ते पर बेटा भी चल रहा है, लकड़ियां चुरा रहा है, मारा मारी कर रहा है। अरे गांव वाले मुझे जंगल का राजा बुलाते हैं, मैं अपने बेटे को जंगल का शहंशाह बनाऊंगा। तू जाकर अपना काम कर।
सफाई कर्मचारियों में से कोई है यहाँ? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। तुम हरिंद्र के साथ जाकर रेंज ऑफिसर से मिलना। क्यों, मुझे उसे मिलकर क्या फायदा? फायदा हमको होगा, तुम दोनों की अच्छी दोस्ती है हम जानते हैं। मुझे सब उन्होंने ही बताई है। तुम्हारे खानदान में बहुत पहले से ही उसके पिताजी काम किया करते थे और तुम्हारे खानदान वालों ने उन लोगों की बहुत मदद की ये भी बताई। ऐसा बोला उसने? हाँ सचमुच, आज तुम उनसे मिल लेना ये भी कहा। आज ही मिल लेना, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध कर गाँव लौटना होगा। उनके सहारे के बिना नहीं होगा मेरी जीप लेके जाना। नहीं मैं चला जाऊंगा। यहाँ की सारी बातें बता देना। अभी देख लिया ना, सुबह सुबह शुरू हुई थी, अब जाने आगे जाकर और क्या होने वाला है। सारे जंगलों का यही हाल है, जब झाड़ की कटाई के लिए आओ तो जमीन पर सब हक जताकर किसी न किसी तरीके से वहाँ आ जाते हैं पैसा हड़पने के लिए। एक साल तक चलती है नीलामी, केस करो तो न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। यहाँ नगद से ही जीत होती है दोस्त। ऐसे हालात में मैंने तुमसे पहचान जताई तो दूसरे इसका फायदा उठाएंगे, इसलिए मैंने पहचान नहीं जताई। चलो आओ बैठो। सुना है जायदाद का बंटवारा हुआ है, माँ और तुम अब उस घर में हो या नहीं? हाँ नहीं। तुमने और कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढी? पहली बार गया था, तुम्हें तो याद होगा, इंटरव्यू के लिए हम साथ में तो गए थे। मुझसे कम मार्क होकर भी तुम्हें नौकरी मिली। तुम माइनॉरिटी के जो थे मुझे हटा दिया। ऊंचे कुल का होने का मुझे उस दिन पछतावा हुआ। फिर कोई ना कोई कारण से कुछ बात बनी ही नहीं, आगे बढ़ी ही नहीं। नाउ आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस जॉब। लो। हाँ। मुश्ताक ने कहा ना तुम्हारी मदद चाहिए। जरूर, तुम लोगों की मदद के लिए मैं एक आदमी रख देता हूँ, उसका नाम जोस है। अच्छा आदमी है, आदिवासियों के साथ उसकी बहुत अच्छी पहचान है, एक अच्छा सोशल वर्कर है। तुम्हें थोड़े से भी जुलाब आ जाए तो उसको बहुत तकलीफ होती है। यहाँ मुझे 3 दिन से जुलाब है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है ना। अरे भगवान मैं क्या करूँ, ये कैसे जुलाब, आज बंद होगा कल बंद होगा परसों होगा कब होगा। ए मिस्टर, एक बात बताओ, तुम हाथी वाले हो ना? हाँ सही है। हाँ मैंने देखा है तुम्हें हाथी के साथ। आज यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, कल भी काम नहीं होगा। उस राघव सेठ जी को टक्कर देकर यहाँ कोई नहीं जीत सकता, वो बहुत बड़े शैतान है। तो क्या फिर से गड़बड़ होगी? इसमें कोई शक है क्या? मैं जरा बात करके देखता हूँ, शायद वो मान जाए। मैं मैनेजर को बुला के लाता हूँ। नहीं, इससे पहले मुझे कुछ पता करना है, बैठो। आप कौन है ये तो बताओ। जोशी। जोशी, जोशी चेलाराम। आपकी तरह यहाँ कटाई के लिए लोग आते रहते हैं, चोरी के लिए भी आते हैं, धंधे के लिए और शिकार खेलने के लिए भी आते हैं। इन सब लोगों को इस जोशी की जरूरत पड़ती रहती है। शिकार पसंद है? हिरण, मैना, कोयल, मोर। इस जंगल में मोर है क्या? मेरे साथ चलोगे तो दिखा दूंगा। इस ठंड में अभी? ठंड तो मैं अभी भगा दूंगा। इसको सूंघो तो सही। अरे भगवान, इसको ढूंढने के लिए कहाँ का भटका। असली काजू की बनी हुई चीज है, सूंघो तो। थोड़ी सी पी लूं क्या? अरे पी लेना, फिलहाल ठंड दूर करने के लिए इसे पी लो। असली तंबाकू की है, इसी जंगल में बनती है ये भी। हाँ, अपना नाम नहीं बताया तुमने? केशव नायक, केशव बुलाते हैं। माँ की तरफ से देखो तो मैं भी एक नायक हूँ। दादा परदादा सारे के सारे उच्च कुल के थे। तोरणमल का नाम सुना है? गली के कोने पे दारू की दुकान वाले। छे, वो तो नारायणमल संस है। मैं तो अपने पंडित जी के बारे में बात कर रहा हूँ, श्री तोरणमल। उन्होंने हमारे खानदान में आकर महापूजा की थी। बाकी इस पहाड़ी इलाके के सारे नायक लोग गरीब हों चाहे अमीर हों, उनके खानदान में महापूजा उन्होंने कभी भी नहीं की। अरे
ये लोग कौन है? यहाँ झगड़ा करने आए हैं क्या? हे भगवान, हे राम, क्या होगा? ये जरूर राघव सेठ के गुंडे होंगे, आज यहाँ खून खराब होगा। हे भगवान बचा लेना। मेरा हाथ छोड़ो तुम। भागना नहीं। अरे राम बचा लो। बालकृष्ण कौन है? मैं हूँ। रेंजर साहब ने कहा है कि यहाँ पे कुछ काम है। हाँ। तो ठीक है, फिर बाकी बातें भी कर लेते हैं। हाँ। मैनेजर को बुलाओ। बुलाओ। केशव आ गया, डरो मत, ऊपर आओ। ये लोग आदिवासी लोग हैं। बात करने वाला कौन है? वही जोस, वो इन आदिवासियों का नेता है, इसलिए उसे भी आदिवासी जोस बुलाया जाता है। यादव प्यास लगी है। हे भगवान, ये तो तंबाकू के ऊपर दारू पी रहा है, मरेगा। बड़े बड़े साहब और सेठ लोगों की खातिरदारी और नौकरी की है इन लोगों ने, वहाँ की तकलीफ नहीं झेल पाए और काम छोड़ दिया। इन लोग इन्हें दुखी मत करना। नहीं, ये लोग जो भी काम करें उसका मुआवजा इनको दे देना, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा मुत्तू, कल सुबह मुझसे मिल लेना। ठीक। अरे मैं डूब रहा हूँ, मुझे कोई बचा लो। अरे पानी, पानी। अरे आसमान से गिर रहा हूँ, बचा लो। तुम यहाँ भी पहुँच गए। कोई बात नहीं, दही या छाछ पिला देना, नशा उतर जाएगा, तंबाकू पिया है। ठीक है, सोने दो। गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, बचा लो। अभी नहाने का क्या फायदा है? दूसरा स्नान तो मिट्टी में ही है ना। चल उठ, उठ यहाँ से। कल का नशा नहीं उतरा क्या केशवैया? यहाँ पर आ, वो मैं कल। अरे यहाँ पर आ। बालकृष्ण कहाँ है? वो इसके लिए खाना ढूंढने जंगल में गया है। इधर आ। ठीक है, उसे लेकर आ जा। आ ना, बाहर निकल, चल, सुनता नहीं है। चल चल बाहर। हाँ चल चल। हाँ आ जा, चल चल। सूखे पत्ते बहुत कम है, आपके हाथी का खाना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आज सूखे पत्ते भी चल जाएंगे। सलवी, तेरे शौहर को आज तनख्वाह मिलने वाली है। रात को शराब पी के आए तो मुझे जरूर बताना, बत्तों की बीवी है ये। हाँ। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सूखी लकड़ी ढूंढने, हर गठरी के 20 रुपए मिलेंगे। फॉरेस्ट वालों ने देख लिया तो गड़बड़ होगी, लकड़ी चोरी करने पर इन जैसे लोगों को पकड़ लेते हैं वो। साहब, खून चूसिया। जाओ चूना लेके आओ। ना खींचना मत, वरना मांस बाहर आ जाएगा। ये बहुत खतरनाक होती है, दुख नहीं रहा है ना? क्योंकि ये कीड़े की तरह नहीं है। इसे निकालेंगे कैसे? सेठ जी ने तुझे बुलाया तो आया क्यों नहीं? मुझे दूसरा काम मिला है। चुपचाप मेरे साथ चल, वरना मार दूंगा। इसे मारकर क्या करोगे रजाक? हाथी को मारोगे तो दांत मिलेंगे, इसे मार के कुछ नहीं मिलेगा। तू जा रहे सेठ जी से रकम लेकर, ये ऐसा कैसे कर सकता है? चल रहे, तुम इसे नहीं ले आ सकते। ए, ए, चल। ए, छोड़ो, लड़ो मत। तुम इस जंगल में काम करने आए हो, इस बात में दखल मत देना। हटो, दूर हट। Thank you.
चूहा मारने की बंदूक लेकर घूमता है और लोगों को डराता है क्या? ये ले निकल। पुलिस वाले और फॉरेस्ट वाले सेठ जी के बाजू में हैं। इस मुत्तु की शादी में राघव ने कर्जा दिया था, 2 गुनी चावल और 100 रुपए। उसके लिए इसने वहां 6 महीने तक बहुत मेहनत की, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला वहां से। फिर भी कर्जा बाकी है। सोच लो कैसा आदमी है। सोचकर अफसोस होता है। थोड़ी सी रकम देकर ये लोगों को खरीद लेता है और उनसे गधा मजदूरी करवाता है। सरकार ने जो आदिवासियों को जमीन दी है उस पर इस राघव मेहरा ने कब्जा कर लिया है। मेरी बहन है अन्ना रानी। खाना रखा है, परोस दो। तुम खाओगे? क्यों नहीं, मुश्ताक के यहाँ रोज यही तो मिलता है। रेंजर साहब ने मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुनाई थी। यहाँ कैसे रह लेते हो? तुम सभी तो यहीं रहते हो। हाँ, आज तुम आए इसलिए बच गया, नहीं तो वो राघव मेरा इसे भी गधा मजदूरी करवाता। वो फिर नहीं आएंगे ऐसा मत सोचना। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, वो तुमसे बदला लेने एक बार फिर से आ सकते हैं। इसलिए बालकृष्ण संभल के रहना। आप भी संभलना, मेरा से पंगा लेने वाला कोई भी आज तक नहीं बचा है, आप तो उसे जानते हो ना। हाँ। तुम ही हो ना इस पहाड़ के राजपिता? हाँ जी। बाहर के काम के लिए तुम्हारे इलाके के लोग गए ना? मैंने बहुत बोला पर कोई नहीं सुनता, मैं और क्या कर सकता हूँ। मुझे हराकर तुम यहाँ कैसे रह सकते हो मैं देखता हूँ। सेठ जी गुस्सा न करें, अब मैं नाम का राजपिता हूँ। यहाँ पे वो जोश है ना, वो सबके लिए बड़ा है, वो बोलेगा तो सुनेंगे। तुम जाओ यहाँ से। नमस्ते। जोश बहुत होशियारी कर रहा है और उसके साथ जितने भी लोग है वो भी, उन सभी में से किसी एक ने रजाक को मारा है। सुना चंदन जी? तो ये बस नहीं जाएगी? बस खराब हो गई है भाई, मैं क्या करूं। अपने अपने पैसे लो और नीचे उतर जाओ। ये तुम्हारा है ना? ओह थैंक्स। अब हम क्या करें वेला भाई? इसके अगले बस में जाएंगे, शाम को 4 बजे ही तो है, पर वहाँ पहुँचने तक अंधेरा हो जाएगा। हे भगवान, अब तो हम फंस गए। मैं चल रही हूँ, यहाँ से आगे जाओ तो जीप मिलेगी, टैक्सी भी चलेगी। यहाँ रुकने से तो वही अच्छा है, है ना बेला भाई? हाँ ठीक है। हाँ तो चलो। गांव भी नहीं कह सकते, तुम लोग तो जंगल में रहते हो, शेर चीता भालू सब होंगे ना वहाँ। मेरा बेटा कैसे रहता है क्या मालूम। डरिए मत, इस जंगल में ऐसे जानवर नहीं है। अच्छा, राहत मिल गई। बेला भाई आप ये बैग उठा लो। शुक्रिया, मैं पकड़ लूंगी, रहने दीजिए। बेटी तुम मिल गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बात करने के लिए कोई तो मिला मुझे। श्री देवी, तू क्यों इन लोगों की जीप में आई? इन बदमाश लोगों की जीप में आने से तुझे क्या मजा आता है? बहुत खुशी मिलती है, बोल दिया होता तो मैं कार भेज देता ना। अचानक कॉलेज बंद की है, यूनिवर्सिटी की हड़ताल है। हड़ताल? आगे से ऐसा नहीं करना, समझी क्या? आओ बेटी, आज सुबह से ये नाटक चल रहा है, क्या पता किस पर गुस्सा है वो। ये केशवाई होगा इस सबके पीछे। मैंने क्या किया? तुमने ही खत भेजा होगा, नहीं तो माँ नहीं आती। हाँ रे, जैसे तू अपनी माँ से बदला लेना चाहता है वैसा ये नहीं चाहते, इसीलिए बता दिया। खत मिलते कैसे आ गए तुम? मैं वहाँ किसके लिए बैठी रहूँ? इस माँ को वहाँ किसके हवाले सौंप कर आया तू, बोल। मैंने गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो मुझसे नाराज होकर निकल गया। अब मेरा तेरे अलावा कौन है बेटा? मुझे और कौन है डांटने के लिए माँ के बगैर? मैं नाराज नहीं हूँ,
मेरी उम्र के लोगों को काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, यही कहा था ना तुमने, और वही तो मैं कर रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं तुझे इस जंगल में नहीं रहने दूंगी। मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। तुम जाओ माँ। नहीं, तू यहाँ है तो मैं भी तेरे साथ यहीं रहूंगी। यहाँ तकलीफ होगी। क्या यहीं रहना है? इस जंगल में कितने मच्छर हैं जो खून चूसते रहते हैं, शेर, सांप, भालू, चीता और सिंह, और बड़े सांप भी हैं। क्यों रे केशव, मुझे डरा रहे हो? नहीं, मैंने तो सिर्फ बताया है। यहाँ का हवा और तापमान आपके शरीर के लिए तकलीफ देह है, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। अपनी वजह से इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काम के बाद तो जल्दी ही लौटना होगा ना। हाँ, पिताजी के श्राद्ध के लिए तू घर आ जाना, ये पूजा करनी है ना, तारीख याद है ना तुझे बेटा? हाँ, आ जाऊंगा। जाना तय हुआ तो अभी निकलते हैं, बस है। केशव कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, इनको गांव में छोड़कर मैं 2-3 दिन के बाद यहाँ लौटता हूँ ना। अब आप विनय के पास जाइए, उसे कहाँ छोड़कर आए हो? यहीं पर है, माँ को दिखाने के लिए लाया हूँ, उससे मिलकर ही जाना। ठीक है, आप जाओ, काम करो, जाओ। नहीं, माँ को बस स्टॉप छोड़ने मैं चला जाऊंगा। नहीं चाहिए तो मैं चलती हूँ बेटा। राघव मेहरा के बदमाश आदमियों ने बाल कृष्ण को मारा, नसीब से मैं बच गया। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं बोलता हूँ एक और मुसीबत आ जाए उससे पहले ही तुम। नहीं जयप्रकाश, मैं नहीं जाऊंगा। एक नौकरी करके जीने के लिए आया हूँ मैं। आदिवासियों को बचाना, लड़कियों की चोरी पकड़ना, सोशल रिफॉर्मेशन, ये सब मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैंने उसकी कोशिश भी नहीं की, फिर भी बिना कारण के वो लोग मुझे। उस वक्त वो लोग नहीं आए होते तो मेरी लाश तुम लोगों को उस पहाड़ी पर मिलती। इसका बदला लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उस मेहरा से मैं अकेला लड़ूंगा। नहीं बालकृष्ण, राघव मेहरा बहुत ही खतरनाक आदमी है। सब ठीक कह रहे, सामने से जाना ठीक नहीं होगा, हो सकता है कोई और रास्ता सोचो। मेहरा की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। सोना, हीरा, गांजा स्मगल करने वाले ये लोग बहुत बड़े माफिया के लोग हैं। इनका नाम बहुत चलता है यहाँ पे, ये जंगल स्मगलर्स के लिए। यहाँ के सारे पहाड़ी इलाकों में मैंने इन्हें देखा है। जनता के सामने ये लोग कहते हैं जंगल बचाओ, जबकि बड़े बड़े अधिकारी और उद्योगपति और देश के कई प्रमुख नेता इनके साथ शामिल हैं, और मैं सबको जानता हूँ। उनमें से ताकत और बुद्धि सबसे ज्यादा है इस खतरनाक मेहरा में। बालकृष्ण, सिर्फ तुम ही नहीं जोस, तुम भी इस बात का ध्यान रखना। मैं इसी गाँव का हूँ, मैं मेहरा को जानता हूँ साहब। सालों पहले एक पहाड़ी इलाके की झोपड़ी पर एक सुरंग में एक साथ 70 लोगों की जान ली थी इसने। ये बात तो आपने सुनी ही होगी साहब। उसी पहाड़ी इलाके के नीचे खेती करके मैं और मेरा परिवार खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, ये सोच करके कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। हमारा पूरा परिवार खेती बाड़ी करके बहुत ज्यादा खुश था। 70 साल पहले की एक रात वो सब सपना टूट गया। अंधेरे में जो पानी, मिट्टी और पत्थर घर पे आया, उसने मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई सबकी जान ले ली। मेरा सब कुछ बह गया साहब उस पानी में। उस रात झोपड़ी पर लटकते हुए मेरी बहन ने अपनी जान बचाई। इस हादसे में बहुत से आदमी मरे, लेकिन वो सिर्फ समाचार बन के रह गए। सरकार ने भी कुछ नहीं किया, पर वो मुसीबत मैंने झेली। और मैं सोचता हूँ साहब, दुखी होकर उस पहाड़ी इलाके के ऊपर स्मगलिंग का काम करने के लिए ही इस मेहरा ने मेरा परिवार तबाह किया। उस पहाड़ी पर बनी सुरंग को फोड़ने के कारण ही सारे परिवार तबाह हुए। मेहरा से मैं नहीं डरूंगा साहब, उसे मैं हमेशा बदला लेता रहूंगा। आपकी सुरक्षा के लिए ही मैंने ऐसा कहा, मुझे गलत मत समझना। लकड़ी चोरी करने के लिए मैं यहाँ किसी को नहीं बख्शूंगा, उन्हें हमेशा रोकूंगा। तुम लोगों का साथ रहेगा तो मुझे आसानी होगी। मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हूँ साहब, सुबह और शाम इसमें कहाँ कहाँ चोरी होती है मैं बता सकता हूँ। क्या आप उसे रोकेंगे? जरूर रोकूंगा। पेट्रियट होने से पॉलिटिकल माइंड या रिवोल्यूशन थॉट्स की वजह से नहीं, इस काम में मैं भी तुम लोगों के साथ रहूंगा। तो फिर इस अग्नि को साक्षी मानकर हम ये कसम खाते हैं कि हम इस जंगल से कोई भी लकड़ी नहीं चुराने देंगे। कसम खाओ। कसम खाते हैं। कसम खाते हैं।
तुम गुरुवार मंदिर गए हो क्या? गया हूँ तो मार दूंगा मैं नहाए बगैर, अगर वहां गए तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। वो क्या? हाँ छह वो छोड़ो। कितनी प्यारी ये नजारे, आके यहाँ जाने को करता नहीं दिल। ठंडी पवन देखो नील गगन, गाई धरिनों को देख के मेरा मन लाला 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 लाला। कितनी पीछे हटो, तुम क्या टार्जन टार्जन खेल रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो उस झाड़ से बेअक्ल जानवर बहुत पढ़ाई नहीं की है,
पर एक हाथी की अकल है इसको। तुम्हारे बारे में बोला, आदमी लोगों के रास्ते पर ऐसे जानवर को खड़ा कर दोगे तो डरेंगे नहीं क्या लोग? इसने कुछ कर दिया होता तो कौन मुझे बचाता? विनया सुन लिया ना, तेरी मस्ती आज मैं बंद करता हूँ। तेरे साथ खेलने के लिए आई थी क्या ये लड़की? इनके कपड़े देखकर कुछ समझ में नहीं आया? चलो माफी मांगो, माफी मांगो। अब जा। आप क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? गुस्सा मत होइए, उसने गलती की उसके माफी तो मांग ली ना उसने। कुछ मत बोलो। क्या क्या हो गया? वो पागल हाथी वाला। ऐसे मत कहो, वो हाथी वाला नहीं कोई है। भी हो, मुझे क्या, तुम्हें ढूंढने में यहाँ आई पागल। चलो। ए, मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ। चलो। तू जानती है क्या इस हाथी वाले को? जोस भैया का दोस्त है, बहुत पढ़ा लिखा है, तुम्हारी जात का है। नाम? बाल कृष्णा। क्या हुआ? बिना कोई गलती किए उस लड़के से डांट खिलवाई ना मुझे? तुझे बहुत छूट दे रखी है, अब तेरी मस्ती नहीं चलेगी। लेकर आ, मेरी बात सुन ली, मुझे जानता है ना तू? जा जाकर लेकर आ। तुम कहाँ थे अब तक? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, सोया हुआ था, शायद बुखार था, थक गया था मैं। थक गए हो तो अभी गांव चले जाओ। चलो। ऐसा मत करो। तमाकू और दारू पीते हुए कोई रुकावट नहीं आती ना? मैं मेरे बड़े हुए बाप की कसम खाता हूँ, उस दिन के बाद से मैंने तंबाकू और दारू पीना बिल्कुल छोड़ दिया। बारक रखवा, विनया को जाकर बांध दो, मेरे बोलने तक उसे छोड़ना नहीं, बहुत मस्ती चढ़ गई है इसे। जा रहे। क्या हुआ रे शैतान तुम दोनों के बीच में? तूने जरूर कोई बुरी हरकत की होगी, चल इधर आ। क्या बोली रे पागल, मुझे मार देगी? तो मार के दिखा। अरे मार ना। क्या कह रही हो टीसा बहन? ये टीसा को तुम लोग नहीं जानते हो, तू अपने आप को यहाँ की रानी समझती है क्या? तू मुझे एक सबक नहीं सिखाया तो देख। क्या हुआ, क्या हुआ सिल्वी, बोल। बहुत दिन से ये चल रहा है। सुन, वो लड़की अब यहाँ है इसलिए मैं चुप बैठी हूँ, तुझे मैं बाद में देख लूंगी। सिल्वी रोना नहीं, जा ठीक है। कौन है ये छोटे साहब? तूने जो बोला जानना है, तू जिससे शादी करने वाली है ना वही लड़का। तुम क्यों भागी? फॉरेस्ट वाले आए हैं कहा तो हम सब भागने लगे, आप होंगे पता नहीं था। क्या हुआ? मेरा हाथ पकड़ो, मैं घर छोड़ दूंगा।
सेल्वी। आप लोग अन्ना को घर छोड़ देंगे? चलता हूं। कहां गई थी सुबह? कहां घूम रही थी? जवाब क्यों नहीं देती? लकड़ियां काटने वाली जगह पे क्या करने गई थी? तू बोलती क्यों नहीं? जंगल पहाड़ पर से तू वहां क्यों गई? बता मुझे। छोटे सांप की हरकत देखने। इन ऐसे वैसे लड़कियों के बीच एक फालतू औरत को भेजा था ना, उसे खाली हाथ जाते हुए देखा। क्या बोली तू? आप पी कर आए हो, इस कमरे से निकल जाओ। चला जाऊं? तेरी इतनी हिम्मत? अगर मुझसे जवान लड़ाई ना तो। घर के अंदर ये सब हो रहा है तो बाहर क्या होगा पता नहीं। क्या बात है? बेटे के बारे में जो गांव वाले कहते हैं। आपको एक बात बताऊं, उसकी शादी जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, तभी तो गांव वालों का मुंह बंद होगा। मुझे भी लगा। श्री देवी की पढ़ाई खत्म होने दो, सोचा शादी करवा दूं। श्री देवी यहाँ पली बड़ी है, माँ मर गई है, पिताजी ने छोड़ दिया है, हमारे सिवा उसका कौन है यहाँ? उसे पढ़ने दो। अरे हमारे सभी और दुश्मन हैं, शादी से हमें रिश्ता बनाना चाहिए। श्री देवी को ये शादी नहीं पसंद आएगी, फिर जिद क्यों करे? इस गाँव में कितनी लड़कियाँ हैं। बक चुप कर, पागल हो गई है क्या तू? बिल्कुल अकल नहीं है। रिश्ता बनाने जाओ तो ये जायदाद क्या करेंगे? माँ की तरफ से आधे से ज्यादा हिस्सा श्रीदेवी के हक में है। अगर उसे पसंद नहीं है तो भी ये शादी करवाएंगे, करवानी ही होगी। तुम वहाँ गए थे क्या? जंगल देखते ही जीप लेकर वापस लौट आए? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, आप तो जानते ही हैं, कापूस की वाड़ी नाम है, कापूस नहीं है वहाँ, सिर्फ जंगली हाथी है, साथ में खतरनाक गुंडे भी, मशीन गन, स्टैंड गन और ग्रेनेड लेकर भी आते हैं। तो कभी कभी बम भी लाएंगे? उनका सामना करने के लिए ही हमें पगार मिलती है। अगर इतना ही डरते हो तो आज से ही यूनिफॉर्म मत पहनना। डरते हैं हम सर, हमारे पास सिर्फ पुराने बंदूक है, बुलेट भी मारना हो तो पहले खरीदना होगा, जान जोखिम में डालकर हम जंगल जाते हैं, आप तो सब जानते हैं सर। वहाँ बड़े पैमाने पर झाड़ की कटाइयाँ चल रही हैं। किसी बात को सुनकर ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, चलो तुम चलो मेरे साथ। और भी लॉरी आ रही है, तुम जाकर रेंज ऑफिसर को बताओ, जल्दी आने को कहना। मैं इस जंगल से कैसे? जैसे बोलता वैसे करो, नहीं तो वो लोग सब चोरी कर लेंगे। चाहता हूँ। क्या कुछ घंटों पहले वो यहाँ थे? हाँ सर। तुम लोग क्या करते हो? वो लोग सारी लकड़ियां ले गए यहाँ से। हम सब यहाँ से निकल रहे थे, ये खबर उनको मिल गई। उनके बहुत से गुंडे हैं साहब, वो कहीं से भी हमारी खबर निकाल लेते हैं। वहीं रुको, अब आने वाले लॉरी को रुकाना है, जब तक मैं ना कहूं वहां से हिलना मत, ठीक है? कहाँ ले जा रहे हो? तुम कौन हो पूछने वाले? फॉरेस्ट ऑफिसर हो क्या? चलो हटो। विनय आप हट जाओ।
गाड़ी कौन चला रहा था? चंदन, रजाक भी साथ में था। वो लोग कहाँ हैं? सब जंगल में ढूंढ रहे हैं, वो रेंजर और पार्टी। जवाब दे, बता दूसरी लॉरिया कहाँ है? जवाब दे। मेरा सर की जमीन पे। हाँ बोलता रहे। सर के स्टेट में। सर फोन आया है। बोलो बाद में करेंगे। कंजर्वेटर कहाँ है सर? सर जी हाँ, कल रात को। सर उसमें आधी लकड़ियां चंदन की हैं, सिर्फ एक लॉरी मिली है, बाकी जाने के लिए मैं वहां जाता हूं। आप मिलना चाहते हैं? ओह सर, आप यहां के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। ठीक है, मैं आता हूं। ओके सर। यस कम इन। तुमने बड़ी वीरता दिखाई, कल रात को ही मुझे खबर मिल गई थी, इसीलिए मैं कल रात को यहां पहुंच गया। थैंक यू सर। फॉर व्हाट? तुम क्या सोचते हो तकलीफ उठाकर मैं क्यों आया हूं? तुम्हारी बेवकूफी के लिए तुम्हें शाबाशी देने के लिए आया हूं क्या? सर मैंने क्या बेवकूफी की है सर? ओ, शिकार के समय शेर के सामने सावधान रहना चाहिए। गोली चलाओ तो निशाना चूकना नहीं चाहिए, शेर मरना ही चाहिए, उसे घायल हालत में छोड़ना खतरनाक होता है। तुमने भी कुछ ऐसा ही किया है। सर आई कांट अंडरस्टैंड सर। राघव मेहरा सेठ जी इस जंगल का एक शेर है, वो बहुत ही शातिर शेर है। एक लॉरी को पकड़कर तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको फंसा लोगे? इसके अलावा वो तुम्हें परेशान भी कर सकता है पूरी तरह से, क्या समझे? ऐसा करके तुमने उसके साथ दुश्मनी मोल ले ली है। लकड़ी चोरों को आप दोस्त बनाने की बात कर रहे हैं सर? राघव मेहरा की बात करें तो हाँ, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ, चाहो जाकर उससे माफी मांग लो। सर आधी रात को 8-9 घंटे की यात्रा करके मैं तुम्हें शाबाशी देने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम ऑबेइंग योर ऑर्डर फ्रॉम हाई अथॉरिटी। वो लोग तुम्हें गेंद की तरह एक रेंज से दूसरी रेंज में डालेंगे, तुम्हारी जान खतरे में भी आ सकती है। अंडरस्टैंड? यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ सर, कम ऑन टेक योर सीट, बैठो। सर्विस ज्वाइन करके 10-15 साल की मेहनत करने के बाद मैं तुम्हारी इस पोस्ट में पहुंच पाया था। तुम तो अभी छोटे हो और कितना आगे जा सकते हो, ऐसा मत करो, बुद्धि से काम लो। एग्रीड? मैं एक सीनियर ऑफिसर की हैसियत से नहीं, बड़े भाई की हैसियत से बोल रहा हूं। टेक माय एडवाइस, इट इज फॉर योर गुड। ओके ओके सर। How was my performance, Mr. Mehra? यू ही नहीं ना, लोग तुम्हें चंबल नामयार बुलाते हैं। इसी तरह तुम उस लकड़ी के सेठ को भी डरा देना। वो सेठ इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है, उसकी सरकार में अच्छी जान पहचान है। मेरे हिसाब से तो तुम लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लो तो अच्छा है, क्या सोचते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं। पक्का है ना? पक्का। ओके। तुम्हारी तरह मैंने भी इस बात पे विश्वास नहीं किया था, पर ये बात सच है। आपने सारी पूछताछ कर ली ना? हाँ हाँ, पकड़ी हुई लॉरी और लकड़ियां उसने वापस कर दी, और जब उससे बात करने में उसके ऑफिस गया तो उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। वो रेंजर हमें फंसा रहा है, मेरी बात का यकीन करो। अरे मैं तो तुमसे ही मिलने आने वाला। तुमने वो लकड़ी लौटा देना, एक केस भी दर्ज नहीं की ना। मैं सब जान गया हूँ। सब बताता हूँ, पहले अपने क्वार्टर चले। नहीं, I thought you were a man of principles. मैं तुम्हें सब बता दूंगा। No, तुमने रिश्वत लेने के लिए हमें क्यों मोहरा बनाया? बाला, तुमने वही किया ना, दूसरों के सहारे से चंदन की लकड़ियां दिखाकर बाहर ब्लैकमेल करके पैसे बनाए। प्लीज नो बाला, ये मेरा ऑफिस है। स्मगलर्स का अड्डा है, इट्स अ डेन, एंड यू आर एन अनस्क्रूपलस चीट। सर को घर पे ले आना, ऐसा पापा रोज बोलते थे, अब तक दावत नहीं दी, वो मुझसे नाराज हैं, वो कैसे बुलाएंगे? जब देखो शेर की तरह बैठे रहते हैं, और आप भी करीब नहीं आते थे। अब करीब आ गए ना, अब क्या डरना? सोडा काफी है या ज्यादा चाहिए? मैं नहीं पीता सर। मुझे लगा ही था ड्राई होकर मारते हैं आप, नहीं तो थोड़ा सा सोडा मिलाने से मजा आ जाता है। स्कॉच असली होनी चाहिए। कोई और ब्रांड? नहीं सर, मैं नहीं पीता। अरे क्यों, कंपनी के लिए एक पैक? नहीं, सिर्फ सोडा लूंगा। यही तो गड़बड़ है सर, हमने तो सोचा था कि 4-5 पैक पीने के बाद चखने का इंतजाम करेंगे। सर तुम जल्दी लेकर आओ। हाँ। ये कैसे हो सकता है, इनके टेस्ट का तो अभी पता ही नहीं है। मिस्टर अजय, इसके लिए अगर मुझे बुलाया है तो हम फिर कभी मिल लेंगे, मुझे अभी ऑफिस में काम है, चलता हूँ। रुको ना, ये एक साइड है, दूसरे काम के लिए बुलाया है। ये लो।
कितने? 5,000। पिछले एक हफ्ते में चोरी हुई लकड़ी का कमीशन है। हाँ। और चरस का? सर, वो आप तो जानते ही हैं। जब साथ हैं, तो सब जानना चाहिए। बात दरअसल ये सर, मैं ये सब नहीं जानता था। कहाँ ले जाते हैं और क्या करते हैं, ये सब पापा का डिपार्टमेंट है, उन्हीं को सब कुछ पता है। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। मुझे सर के बारे में गलत फहमी थी कल तक, पर अब नहीं है। पहले यहाँ बैठने वालों की तरह आप भी एक योग्य ऑफिसर है ना? हाँ हूँ। केस सुलझाए बिना आपने उनकी लॉरी को छोड़ दिया और ये रिश्वत मिली आपको? हाँ, ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये पैसा मैंने किसी और मकसद के लिए लिया है। ये तुम रखो। क्यों? जंगल के अंदर चरस और गांजे की खेती कहाँ कहाँ है ये सिर्फ आदिवासी जानते हैं, और जोश तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। नहीं भैया, मत जाओ, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ हो गया तो मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं नहीं जाने दूंगी। अन्ना रानी, तू मुझे नहीं रोक सकती। एक नेक काम के लिए जान दे दूं, इससे मुझे खुशी होगी, पर इस धोखेबाज का साथ मैं अब नहीं दूंगा। इसके साथ नहीं जाऊंगा। जोश, ये जो तुम्हारे हाथ में रिश्वत के पैसे हैं ना, इससे मुझे खरीदने की कोशिश मत करो। निकल जाओ यहां से। जोश, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना। मैं आपकी इज्जत करता था, पर अब वो नहीं रही, और बात करूंगा तो झगड़ा होगा। जोश, आप निकल जाइए यहां से। भैया, घर आए मेहमान के साथ ऐसा नहीं बोलते, उनका कहना भी सुन लेना चाहिए। इस हाथी की पूंछ दे दो। हाथी को एक ही पूंछ है ना बच्चों, वो मैं कैसे दूंगा? दूसरी आ गई तो दे दूंगा। हैं? पूंछ नहीं, बाल। वो क्यों चाहिए? दीदी के लिए। वो क्या करेंगी? दीदी को अंगूठी बनानी है। तुम्हारे दीदी की अंगूठी बनाने के लिए दूसरा हाथी ढूंढो। चलो निकलो। चलो। कौन है वो लड़की? पहाड़ की लड़की है। बहुत बार देखा है जंगल से जीप चलाते हुए। कोई मानसिक बीमारी? नहीं, राघव मेहरा की भतीजी है। बड़ी दर्दनाक कहानी है इसकी। जन्म देते ही इसकी माँ मर गई। पिताजी एक मिलिट्री ऑफिसर थे, बीवी के मरते उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद पिताजी और मामा के बीच केस हुआ, मामा जीत गया और बच्ची मेहरा के हाथों में सौंप दी। हाँ, मैं कुछ और बोलने आया था। वो रेंजर मेरे घर पे आया था। जयप्रकाश, वो क्यों? कुछ बड़ी रकम देने। जरूर उसने रिश्वत ली होगी उस मेहरा से। फिर? मैंने निकाल दिया, गुस्से में चला गया और एक नया दुश्मन बन गया। जोश, मैं यहाँ थोड़े दिन का मेहमान हूँ, मैं जब चाहे भाग सकता हूँ, पर तुम संभल कर रहना। मुझे कोई डर नहीं, मेरी बहन का डर है मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अकेली हो जाएगी, बस वही डर है मुझे। दोस्त, ऐसा क्यों सोचते हो? तो क्या करूं, जब तक उसकी ठीक ठाक शादी ना कर दूं, मुझे चिंता तो रहेगी। तुम्हारे भैया ने मुझे मेरी बात पूरी ही नहीं करने दी। अगर मैं मेरे सीनियर की बात नहीं मानता तो वो मुझे दूसरी रेंज में डाल देते।
जिन लोगों को मैं हराना चाहता हूं वो लोग जीत जाते। ये मालूम था इसलिए मैं चुप रहा। किसी भी तरह से मुझे उनको हराना है। अब मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन मुझे उन्हें हराना ही है। जोस के आदिवासियों के सहारे मैं ये सब कुछ कर सकता था पर अब नहीं। सोचकर बड़ा अफसोस होता है कि गलत फहमी हो गई। नहीं सर, आपने कोई गलती नहीं की है। मैं अपने भैया से कहूंगी, उन्हें समझाऊंगी। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं पैदल चली जाऊंगी। वो रेंज ऑफिसर तुझे कहाँ मिला? मैं जहाँ काम कर रही थी वो वहीं आया था। आप साहब से मिलने जाओगे ना? जाऊंगा, अब तुम सो जाओ। आप भी सो जाओ भैया, ये मुझे दे दीजिए। चलिए। अन्ना रानी, दूसरों की तरह मेहनत कर सकता तो मैं तुझे कभी बाहर काम करने नहीं भेजता। परिवार के लिए मुझे कुछ तो ऐसा करने दो जो अच्छा लगे। छोड़ मुझे, मैं देखता हूँ उसे। छोड़ मुझे, छोड़ बच्चा। मैं कह रहा हूँ, छोड़ मुझे। तेरा बेटा साहब जी, कल रात को हमसे चोरी छिपे वहाँ से भाग कर आ गया है, बुलाओ उसको। माफ करना साहब जी, वो काम नहीं कर सकता, बहुत थक गया है, ज्यादा बुखार है। बुखार की दवा वहाँ पे भी है, हटो यहाँ से। चल रहे हट। इसको क्यों पकड़ा? पालने के लिए। एक बात पूछू, तुम लोगों में से एक को पकड़कर मैं अपने साथ ले गया समझो, खाना पीना देकर पालने के लिए, तो पसंद आएगा? अपने माँ बाप से दूर रहने में दुख नहीं होगा तुम्हें? और बच्चे नहीं दिखेंगे तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा? इनके भी माँ बाप होते हैं। फिर हर जानवर के माँ बाप होते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह हवा में उड़ा देंगे। ये आपने क्या किया? भागे इधर से, मार खाएगा वरना। ऐसी बात है तो उससे पूछो बच्चों। ये हाथी को भी घर खानदान होगा, उससे दूर रह के ये भी दुखी होगा। उसे छोड़ने के लिए कहो ना कि इस तरह उसे काम करा रहा है। छोड़ दो, छोड़ दो, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। चुप रहो तुम लोग। ए, रुको, रुको। तुम जानते हो मेरे हाथी के परिवार को? जानते हो क्या? नहीं। तो सुनो, ये मेरे घर पैदा हुआ, पिता कौन है नहीं पता, माँ मर गई, फिर इसके माँ बाप भाई बहन सब मैं ही हूँ, मेरा घर ही उसका भी घर है, समझी? हाथी के रिश्तेदार हो, देखते ही लगते हो। ए, चलो भागो यहाँ से, भागो। जल्दी भागो यहाँ से। तुम्हारे इस बर्ताव का मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें इनकी करतूत का पता है? नहीं सर। सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्री वाले राघव मेहरा की अगर एक लॉरी पकड़ी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे देकर वो आसानी से बच जाएगा, पर अगर केस चरस और गांजे का हो तो उसका बचना मुश्किल है। वो राज जानने के लिए मैं उनके साथ था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ जान पाऊं, पर अफसोस हमें वो राज पर्दाफाश करना है। जोस आदिवासियों से वो काम करवाता है, ये बात मैं जानता हूं सर, और वहां से जो बचकर आया था वो लोग उसे दोबारा पकड़ कर ले गए। वो राजपिता का बेटा है। क्या वो ये जगह जानता है? मालूम होगी तो भी नहीं बोलेगा, वहां के लोग सब मासूम हैं और अंधविश्वासी भी। वो लोग कहां नौकरी कर रहे हैं ये बात किसी को नहीं बतानी, इसकी कसम खिलवाते हैं उनसे, इसलिए वो नहीं बताएंगे। तो अब क्या रास्ता है? सोचते हैं, पर शायद बालकृष्ण हमारी मदद नहीं करेगा। कोशिश करके देखो, शायद गुस्सा उतर गया हो। कल आदिवासियों का उत्सव है, आप वहां आएंगे ना सर? मैं? बालकृष्ण भी आएगा, हम वहां बात कर सकते हैं। लेकिन कल तो मुझे त्रिवेंद्रम जाना है। ओ। पर आ भी सकता हूँ। रेंजर क्वार्टर में रखे हैं, ये क्या बात हुई? हाँ, गेस्ट हाउस में गांजा ने जब बात छेड़ी तभी मुझे उस पे शक हुआ, उनसे सावधान रहना होगा। यहाँ के आदिवासियों को मलेश्वरी के बाद भगवान जैसा है, उसने अगर ठान ली तो हम पकड़े जाएंगे। नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। सुन, चंबल के घाट से सोमन को आज ही बुला लो,
समझे क्या? जी हाँ। मुत्तू और उसके आदमियों को आज छुट्टी चाहिए। क्यों? इनके मंदिर में मेला है। मंदिर का मेला तो ठीक है, पर यहाँ का क्या होगा? वैसे भी काम बेकार चल रहा है। पर आज का एक दिन ठीक है, जाने दो। आप भी आइएगा साहब जी, रात को उत्सव है। अन्ना रानी क्या कर रही हो? आई भैया। जल्दी करो, वहाँ गाना बजाना शुरू हो गया। रेंजर साहब ने भेजा है हमको, जल्दी मिलना चाहते हैं। पर बात क्या है अन्ना रानी? तुम किसी और के साथ चली जाओ, मैं जल्दी रेंजर साहब से मिलकर आता हूँ, उसके बाद वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ सारा जीवन किया मैंने।
कल रात को यहाँ किसी ने गाने बजाने की आवाजें तो नहीं सुनी? नहीं साहब, ये लोगों के गाने बजाने के बीच कैसे सुनेगा? हो सकता है हाथी के झुंड ने मारा हो साहब। हाथी के झुंड नहीं होंगे साहब जी, कोई शक नहीं, किसी अकेले नहीं मारा होगा, सही कहा ना? हाँ हाँ सही कहा सही कहा। नहीं, वो दो आदमी थे, मैंने नहीं किया, फोर्स गार्ड ने किया। वो लोग रात को आकर जोश को घर से उठा कर ले गए। तू कौन है? यहाँ के जंगल में काम करता है। सर, जोश को हाथी ने मारा ये तय करने से अच्छा होगा उन फॉरेस्ट ऑफिसर को यहाँ बुलाना जिन्होंने हत्या की है। सुनो, फालतू की बात की ना तो बोलने दो। तुम जो कुछ भी इस केस के बारे में जानते हो चल के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ। चलो। मेरी बात मान लो बेटी, अगर तू वहाँ गई तो जरूर गड़बड़ हो जाएगी। मुझे अभी अन्ना रानी से मिलना है, अभी। मुझे पता है वो तुम्हारी दोस्त है, पर तेरे मामा के बारे में लोग जो कहते हैं वो सुनेगी ना? नहीं बेटा, तुझे यहाँ से बाहर जाने से मैंने आज तक नहीं रोका, मगर आज कहती हूँ बेटा मत जा। वो आदमी हमारी कस्टडी में, आप आए हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो फिर तुम उसे कोर्ट में हाजिर करो ना। मिस्टर जयप्रकाश, हमें माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी ड्यूटी है और मुझे ऊपर से ऑर्डर भी है। मैं समझ सकता हूँ। डोंट वरी, वो दो दिन में छूट जाएगा। इंस्पेक्टर, एक रिक्वेस्ट है मेरी, अब उसे और मत मारना। ऑलराइट, नहीं मारूंगा। थैंक यू। ओके। बालू, स्टॉप इट। क्यों? जोश को तूने मारा ना? मैंने जोश को नहीं मारा। रुकिए, मेरे भैया को इन्होंने नहीं मारा। अन्ना रानी, वो तुम लोग यहाँ? आइए सर, मैं सब कुछ बताता हूँ, आइए। स्टेशन से निकलते ही पहले मैं अन्ना के घर गया। वहां पे लोग क्या बोल रहे थे पता है? भाई को मारकर वो लोग बहन को अगवा कर ले गए, जो उसने पहले कहा था। उसके जाने के बाद उसकी बहन अकेली हो जाएगी। अन्ना रानी अकेली नहीं होगी अब। तेरे साथ ये यहां रहेगी तो बदनामी होगी। सब कुछ सोचकर ही मैं इसे अपने साथ लाया हूं। हम शादी करेंगे, बस रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जयप्रकाश, आई अप्रिशिएट। बाल कृष्ण के पिताजी नायर साहब जी का दिल के दौरे से देहांत हो गया था बेचारे। पिताजी का श्राद्ध करने गया है बेटा। केशव को तो श्राद्ध भी नहीं, बलि भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। क्यों भाई, तुम्हारे पिताजी नहीं है क्या? अबे चुप कर, उल्टा सीधा बोला ना तो एक रख के दूंगा। अरे गुस्सा मत होना केशव। अरे नायर साहब से होशियार थे मेरे पिताजी, इस गांव के सबसे पहले हाथी वाले कुमार नायक जानते हो? नहीं जानता। गांव वाले जानते हैं, 8 बीवियां थी मेरे पिताजी की, मतलब 8 रत्न। अच्छा। जिस किसी भी मंदिर में हाथी लेकर जाया करते थे वहां पर एक रिश्ता जोड़ते थे। बहुत समझदार थे पिताजी। अरे जोशी, हाथी को संभालना है, ये धैर्य देखकर कौन सी लड़की नहीं पटेगी। ठीक है, केशव की होशियारी भी इसी में दिखती है। हाँ, उसी जाल में मेरी माँ गिरी। हाँ। मेरे पैदा होने के बाद पिताजी गांव आए ही नहीं, कहाँ गए, कब मरे, कौन जाने। ये दिन महीने और साल की गिनती कौन करता है भला? तुम लोग यहाँ दिन और महीने गिनते रहना, वक्त का पता मत लगाओ। अरे वक्त की क्या बात करती हो, वो तो चलता ही रहेगा। हाँ? मेरी प्यारी ट्रिशा, ये किसी को भी नहीं बोलना, बालकृष्ण को अगर पता चला। केशव तुम बिल्कुल मत डरना, बालकृष्ण गाँव में नहीं है, उसको भनक भी नहीं लगेगी।
आपका टेलीग्राम है। क्या हुआ बेटा? मुझे अभी क्या अभी लौटना होगा माँ। अभी लौटना होगा? ये क्या पागलपन है? छोटी माँ और बच्चे यहाँ आने वाले हैं और तू चला जाएगा? विनय ने हंगामा करके केशव को जख्मी किया है। क्या कह रहे हो तुम? ज्यादा चोट आई है? वो अस्पताल में। उस पहाड़ी के नीचे सरकारी अस्पताल में टाके लगवाए, मुझे तो होश ही नहीं था। यहाँ के लोगों से चाहे तो पूछ लो कितना खून बहा है। क्या हो गया था? ऐसा क्यों किया उसने? भगवान, ये सोचता हूँ तो मैं डरने लगता हूँ। काम खत्म करते करते शाम हो गई, मैं उसे लेकर ही जा रहा था, अच्छी चांदनी रात थी। थोड़ी देर के बाद वो जरा सा पीछे मुड़ा, मुझे शक नहीं हुआ, फिर झट से मेरी तरफ आ गया, मेरी छाती पर उसकी सूंड ले आया। थोड़ी चूक की वजह से ही ऐसा हो गया, ऐसी रात थी वो। मेरे बच्चों के नसीब से ही मैं आज बच सका हूं। कहां है वो? जा मेरे सामने से, अपनी सूरत कभी मत दिखाना। उसको तुमने मारा ना? मारना क्या, कुछ और भी करना चाहिए था। क्या हुआ, पैर में दर्द है? विनय को क्यों मारा तुमने? अपनी गलती छुपाने के लिए ही मैंने तुमसे ये झूठ बोला था। ये सब क्या कह रहे हो तुम? इंसान की तरह अगर वो भी बोल पाता तो वही तुमसे बोल देता। क्या? पूरी तरह से पीकर मैं उसे जंगल के अंदर ले गया था। चोरी की लकड़ियां नहीं पकड़ी तो मैंने उसे बहुत मारा। बहुत मार खाने के बाद जब वो मुझ पे पलटा तो मैं डर कर वहां से भाग गया, एक पत्थर पर जाके टकराया और जख्मी हो गया। केशव, मुझे मारो बेटा, मुझे मारो, बहुत मारो। मुझे माफ कर देंगे। बहुत दिन हो गए जो तुम ये खेल खेल रही हो, मुझे मत सताओ। मिस्टर बालकृष्णन, राजपिता मैं आपके बेटे से मिलने जा रहा हूँ, उसे दवाइयाँ भी दे दूंगा। तू वो जगह जानता है क्या? वो तो आपको ही मुझे बताना होगा ना। मुत्तू, वो गलत बात है। नहीं राजपिता, मैं आपके बेटे से मिलने जा रहा हूँ, उसे बचाना होगा, उसकी जान को खतरा है। मुत्तू,
इसलिए अन्ना रानी मैं अब तक तुझसे मिल नहीं पाई। मेरे भैया मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं अकेली हो गई। रोना नहीं अन्ना रानी, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। सारे रिश्ते नाते छूट गए। उससे भी बेकार नसीब है मेरा, माँ को छोड़ के पिताजी मामा रिश्तेदार सब लोग हैं मेरे पास, फिर भी मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं। सबको मेरे नाम की जायदाद से मतलब है। तेरे नाम पे स्टेट बंगला और फैक्ट्री कुछ नहीं है ना, इसलिए तू बच गई। अनाथ है, कहीं भी जा सकती है तू, मैं तो हलाल की भेड़ बकरी जैसी हूँ। मेरे अंत के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तू वो देख सकती है राघव मेहरा की भतीजी को। खुश है समझी क्या तू? उस परिवार में जन्म लेना ही मेरा पाप है, तुम तो बेहतर जिंदगी जी रही हो। हाँ, आज तुमसे मैं मिलने आ रही थी तो रास्ते में ही मुझे एक आदमी ने रोककर बेइज्जत की, क्योंकि कोई कारण नहीं था। तुमसे भी ज्यादा रोना और दुख लिखा है मेरे नसीब में अन्ना, सब मन में दबा कर चल रही थी, पर कल पूरी रात में रोई। अब शायद मैं तुझसे कभी मिलने भी ना आऊं, पर तू हमेशा हमेशा मेरे दिल में रहेगी, मेरे अच्छी दोस्त की तरह। चलती हूँ। साहब जी, आप यहाँ? मैं वो रेंजर मिस्टर जयप्रकाश, वो तो काम को गए हैं। ओह, तो जो बताया वो याद है ना? कब निकलोगे? आधी रात को। ठीक है। कल मैंने, मुझे माफ कर देना। ओह, वो सब तो मैं कब की भूल गई। वो हादसा पूरी रात आपको रुलाता रहा ये मैं जानता हूं। ऐसा कुछ होगा मुझे लगा नहीं था। I am really sorry. Please forgive me. मैं रोई, वो मेरी वीकनेस है, not your fault. Anyhow, it's all right now. I have no things against you. गलती मेरी भी थी, वो बच्चों के साथ आपके हाथी को चेस करने में मैं भी आई थी, ऐसी मजाक के लिए। शायद हाथी के मालिक को देखने मैं वहां आई थी। मालिक को मिलने? क्यों? मास्टर जिगरे टुकरा के इस जंगल में आकर काम करने वाले आपको मिलना चाहती थी मैं, बस यूं ही। मेरे बारे में आपने कैसे? इस बार वेकेशन में घर आते वक्त आपके माँ से मिली थी मैं, उन्होंने रास्ते भर अपने बेटे के बारे में बात की। बचपन से लेकर सभी कहानियाँ, उस आदमी से आमने सामने मिली तो लड़ाई हुई। एग्जैक्टली, यहाँ कैसे पहुँचे? चल कर आया। फिर वहाँ तक चलना होगा ना, आओ मैं ड्रॉप करती हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। बचपन में बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, बड़ी हुई तो वो सब दूर चले गए। बड़े घर के बच्चों से पास आने से डरते थे। मिस्टर बालकृष्ण, ये कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं। तो फिर चलिए। वो देखो बालकृष्ण आ रहा है, जाकर उसी से बात कर लो। चलता हूं। केशव, कहां से बाहर गया था ना, कब आएगा कुछ बताया क्या उसने? आएगा। कब आएगा? जब वो ठीक हो जाएगा। आ नहीं जाएगा। सर एक बात, मैंने देखा इसलिए ठीक है। इस पहाड़ में जहाँ चाहो शिकार के लिए जा सकते हो, खाने के लिए या पालने के लिए जिसको चाहो उसको आप पकड़ सकते हो। तुम मुझे मत सिखाओ। ठीक है ठीक है, पर रिजर्व फॉरेस्ट में चढ़ते समय हमेशा संभल कर रहना, शिकार करना वहाँ अलाउड नहीं है। प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। सुन,
तुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। नहीं, मार दूंगा मैं आज इसे। अजय रुक जा, तुम बीच में मत पड़ो माँ। इसने आज क्या किया पता है तुम्हें? पूछो इससे। पहचान वाले मर्द को जीप में बिठाना मेरी गलती है क्या? कौन है तेरा पहचान वाला? इस जंगल में आया जो बदमाश हाथी वाला? हाथी वाला है तो क्या हुआ, पढ़ाई संस्कार और मर्यादा यहाँ के लोगों से ज्यादा है उसको। उसके पास सिर्फ मारना पीटना खून करना नहीं है। चुप हो जा। आपसे कितने ही अच्छे है वो। अजय छूना भी नहीं उसे। अब मुझे मारने की कोशिश की तो और एक आत्महत्या हो जाएगी यहाँ। मेरी माँ का रास्ता मुझे भी अपनाना होगा। बेटी, मुत्तु ये ले, संभल कर जाना, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है बाबा। फिर भी जल्दी खत्म होगा ना सब कुछ, वही मैंने चाहा। कल रात को उसने मुझे मारा, वो जिद को पूरा करने मैं आई हूँ। श्रीदेवी, कल के बाद मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। उन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। यहाँ थोड़े दिन रहने से मैंने बहुत से चेहरे देखे, कई मुसीबतों का साक्षी रहा हूं। इस जंगल के जानवरों से भी क्रूर मनुष्य होते हैं यह मैं समझ गया। यह अनुभव मैं नहीं भूलूंगा। ये यादें हमेशा मेरे साथ जाएंगी और इन्हें याद करके मैं दुखी हो जाऊंगा। इन्हें भुलाना मुश्किल है। साथ में मेरी बात बोलकर भी मैंने आपको दुखी किया है ना? मुझे क्यों मारने आए? बोल। मुझे छोटे साहब ने मारा। शाम से इंतजार कर रही है, ये बहुत डरी हुई है सर। साहिब जी, 3 दिन हो गए मुत्तू और राजपिता के गए हुए, अभी तक कोई खबर नहीं है।
डर लगता है साहब जी, उनको कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। चलो मैं जो बोल रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। हम जंगल तो पूरी तरह से छान लेंगे, लेकिन अगर वो लोग झाड़ियों में छुप गए तो? उन लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही सारे झाड़ काट लो, सब कुछ जला के रख दो, जल्दी जाओ जाओ। मैं जानती हूं मेरे वजह से आपका ये हाल हुआ है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो ना? बोलूंगा नहीं, अब मैं कुछ करके दिखाने वाला हूं। ये चोट तो कुछ नहीं है, तुमने सब कहानियां मुझे बताई, मैंने अनसुना किया, एक ना समझ की तरह कहीं भाग छुपने की कोशिश की, मेरी गलती थी, उसकी सजा भुगत रहा हूं मैं। पर अब मैं पक्के इरादे से बोल रहा हूं, तुम्हारा पैसा और जायदाद देखकर नहीं, हमदर्दी भी नहीं जता रहा हूं, तुम्हें मैं पसंद करता हूं और तुम्हें इन जंगलियों के बीच नहीं छोड़ूंगा। श्रीदेवी, मैं यहां रहूंगी तो पता है ना, मुझे आशीर्वाद देना मामी। बेटी। माधवी तुम जरा बाहर जाना, मुझे इससे कुछ बात करनी है। बेटा घर पर बहुत दिन रहने से किसी को भी बाहर जाने का मन करता है, लोगों को मिलने का बात करने का मन करता है, ये गलत नहीं है। वो बदलने के लिए मामा जी के पास एक ही रास्ता है, जल्दी से जल्दी ये शादी करा देते हैं, फिर बच्चे परिवार। मामा तब तक ये दरवाजा बंद करके इसके अंदर ही बैठो, सारी जरूरत की सामान यहीं मिल जाएंगे। रुक जाओ, जाइए, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। हट जा, आज मैं उसे मार डालूंगा। नहीं साहब, आप कहीं मत जाइए, उसको मैं देख लूंगा। ऐसी बात है तो गांव वालों की आंखों के सामने तुम उसे खत्म कर देना। मामी, कहां है बालकृष्ण? मालूम नहीं, शायद हाथी का खाना लाने गया है। चलो। बाहर से लॉरी आ रही है, बालकृष्ण को बोलो उसे रोके।
लगा। सब लोग जब मिलकर मार रहे थे तब तुम लोग देखकर खड़े थे ना, तुम्हें से एक ने भी कोशिश की आगे आकर रोकने की? बेटी अब क्यों आकर देख रहे हो जानवरों की तरह आखिरी सांस को रोकने के लिए? जाओ, आपका सहारा इस आदमी को नहीं चाहिए। गांजा और संदल की लकड़ियों की लॉरी पहाड़ के ऊपर से आ रही है, उसे रोकना होगा नहीं तो आखिरी सबूत भी मिट जाएगा। जल्दी चलो। मैं आता हूँ। नहीं नहीं, ये ऐसे हालत में देवी हटो, ये सबूत छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। विनया बैठ जाओ, बैठो। चोट खाए हुए आदमी को लॉरियों को रोकने के लिए भेज दिया, आपको शर्म नहीं आई? मेरे भैया और मुत्तू जो तुम लोगों के लिए अपनी जान देते थे उन्हें भी मार दिया। अभी तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ, जाओ। मिस्टर सनी, मैं चरस गांजा बेचता हूँ, लकड़ियाँ चोरी करता हूँ, ऐसे कई लोग बोलते हैं, पर उसमें से मेरा हिस्सा कितना है ये कोई नहीं पूछता। आप भी इसलिए बोलता हूँ, मैं इसमें सिर्फ एक मोहरा हूँ, लकड़ियां काट के दूंगा, उसको वापस बांट कर कई लोगों को दे देता हूँ, उसमें एक हिस्सा मिस्टर आपको भी दिया है ना मैंने? जी हाँ, 5,000 रुपए। फिर किस इल्जाम पर आप मुझे कस्टडी में ले रहे हैं? किसी भी तरह से आप मुझे नहीं ले जा सकते। तो सुनिए, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ले जाऊंगा, जंगली जानवरों के शिकार के जुर्म में मैं आपको इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूँ। आपने जोश और मुत्तू को मरवाया, मैं उस जुर्म में आपको गिरफ्तार नहीं। फालतू बात मत करो, जाओ मिस्टर। मैं आपको लेकर ही जाऊंगा, लकड़ियों की चोरी के इल्जाम में नहीं बल्कि गांजे की खेती के लिए। ओहो, कहाँ है खेती? एक छोटा सा पेड़ भी दिखा दो तो मैं आता हूँ। नहीं होगी तो भी आपको आना पड़ेगा, इसलिए सुनिए मिस्टर मेहरा। चलिए। अब तक यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसरों ने आकर मेरी शराब और खाना पीना पेट भर के खाया है, आप तो मेरे पेट पर ही लात मार रहे हैं। I appreciate your courage, मिस्टर। उससे पहले एक छोटी सी बात, मैं गांजे की खेती करता हूँ ये इल्जाम है ना, उसके लिए सरकार ने मुझे खुद सैंक्शन लेटर दिया है, देखना चाहेंगे? दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड।
मेरे हाथी को रास्ते से हटा। नहीं, ये लॉरिया मैं नहीं छोड़ूंगा। जान प्यारी है तो हटा दे, हटा। श्री देवी, मार दो, मुझे मार दो। उसको जाके वहां से हटा। खबरदार साहब जी, अब हम यहां पे चोरी की माल नहीं आने देंगे। मिस्टर मेहरा, आपने आपके खिलाफ सबूत मांगे थे ना, ये देखिए। इनको आप हटा सकते हो, लेकिन इन लोगों से जीतना आपको मुश्किल होगा। चलिए। यही शक्ति आप लोगों ने पहले दिखाई होती तो मुत्तू और जोस नहीं मरते। तुम लोग इसी तरह से चुप रहे, इसलिए यहां के जंगली लोग झाड़ पेड़ लकड़ियां काटकर यह पूरा जंगल खाली कर गए। चलो।